हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती पर बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी जानकारी आप लोगों के साथ यहां पे साझा की जाएगी पूरी तरह से ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी होगी, किसी भी तरह की फेक जानकारी आपको यहां पर नहीं दी जाएगी। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट जॉब की अपडेट सबसे पहले मिला करती थी। हमारे व्यूअर्स जो है वो काफी ज्यादा कॉमेंट्स कर रहे थे कि आखिर जो पटवारी की पोस्ट है वो कब तक आएंगी। तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पटवारी की पोस्ट आएंगी भी या नहीं आएंगी, और जो भी आधिकारिक जानकारी हमें मिली है उसी के आधार पर हम आपको ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो 600 पोस्ट जो है वो खाली चल रही है पटवारियों की। पूरे हिमाचल के जितने भी पटवार सर्कल है वहां पर जो है 600 पद जो है वो पटवारियों के खाली चल रहे हैं। अब हमने भी आपको जो प्रीवियस अपडेट्स देते आ रहे हैं उसमें 400 से 600 पद आपको बताए थे कि वो भरे जाएंगे, बट दोस्तों यहाँ पर जो है वो किस तरह से भरे जाएंगे ये अब क्लियर कर दिया गया है। जो 600 पोस्ट है ये जो आपके पास जोगेंद्र नगर राजस्व ट्रेनिंग संस्थान है आपके पास, वहां पर 1100 पटवारियों का जो भी बैच चल रहा है वो अभी पास आउट होने वाला है, तो उन्हीं में से जो है ये 600 पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी। तो 600 पोस्ट भरने के बाद हिमाचल प्रदेश में कोई भी वैकेंसी जो है आपके पास नहीं बचेगी पटवारी की, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों 1100 में से 600 पद जो है यहाँ पे पटवारियों के एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी 500 जो आपके पास रहेंगे वो भी आपके एडजस्ट होंगे। वो कहां पर होंगे, देखिए कई पटवार सर्किल में जो है वो काफी ज्यादा पंचायत जो है वो कवर हो रही है। ऐसे में अगर सरकार ने कहा है कि उन्हें जो है वो नया पटवार सर्किल खोलने की मांग आएगी तो उस पर सरकार विचार करेगी, और जो आपके पास नया पटवार सर्किल बनेगा वहां पर भी इन्हीं पटवारियों को जो है वो नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी कहा गया था कि जो भी वैकेंसीज निकाली गई थी वो अगले एक साल जो संभावित वैकेंसीज रहती है ठीक है उसी को ध्यान में रखकर जो है वो निकाली गई थी। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर जो है आपको 2 साल तकरीबन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 2021 तो ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो ऐसे में 2022-23 तक आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। 2023 के एंड में भी अगर यहां पर देखने को मिलेगी, बट ऐसा कहा नहीं जा सकता, तो 2024 तक आपको जो है वेट करना ही पड़ेगा। तो 2024 में आपको जो है वो पटवारी की नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। उससे पहले जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि काफी मुश्किल है यहां पर पटवारी की पोस्ट जो रिक्रूटमेंट्स है वो कंडक्ट करवाना, क्योंकि ऑलरेडी जो हिमाचल प्रदेश के पटवार सर्किल है वहां पर जो है किसी भी तरह की जो है वो वैकेंसीज नहीं बचेंगी जब इन 1100 पटवारियों को जो है वो नियुक्ति दे दी जाएगी। तो नया बैच फिलहाल के लिए नहीं बैठेगा, ऐसा भी राजस्व मंत्री ने बता दिया और राजस्व विभाग ने भी ऐसा बता दिया है। तो अब जो है कह सकते हैं कि काफी ज्यादा निराशाजनक भी है ये उन सभी के लिए जो कि इसकी तैयारी कर रहे थे। फिलहाल के लिए अब आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही नए पटवार सर्कल के अकॉर्डिंग या फिर नई जो वैकेंसीज खाली होती हैं ठीक है तो वहां पर जो है अगर डिमांड्स बढ़ती है तब जाकर जो है विभाग जो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, वो भी 2 साल के बाद। तो फिलहाल के लिए यही नोटिफिकेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, तो जो हमने आपको दी अपडेट काफी महत्वपूर्ण थी जो आपको बताना जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।